सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। कल का दिन भारत के लिए बहुत ही गौरवशाली था कि एक जमाने में सम्राट कुमार गुप्त के जमाने में स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय का नव निर्मित भवन न्यू यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय कल भारत के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री ने उसका उद्घाटन किया। मुझे बहुत खुशी हुई कि वो धरोहर जो भगवान बुद्ध की परंपरा के अनुसार शिक्षा ज्ञान की जो एक संस्कृति थी उसको स्थापित करने में मैं आज के दिन एपीजे अब्दुल कलाम को बिल्कुल नहीं भूलूंगा। उन्होंने अपने कई स्पीचेस में कहा था कि याद करिए वो नालंदा विश्वविद्यालय, याद करिए वो तक्षशिला विश्वविद्यालय, याद करिए वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, याद करिए वो सिरपुर विश्वविद्यालय, जिन्होंने दुनिया को ज्ञान देने का काम किया है। और आज के दिन में अमृत सेन जी को बिल्कुल नहीं भूलूंगा जो नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर रहे। उन्होंने पूरी दुनिया को आकर्षित किया नव निर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के लिए। और मैं बहुत प्रसन्न हूं, बहुत खुश हूं कि ज्ञान की ज्योति जल रही है और शिक्षा का प्रसार प्रसार किया जा रहा है। 10 साल के कार्यकाल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तमाम मंदिर बनाए, तमाम और बहुत बड़े बड़े कार्य किए, लेकिन एक इतना भव्य विश्वविद्यालय 10 साल में उन्होंने कभी भी उद्घाटन नहीं किया जिसका उद्घाटन करने का उन्हें मौका मिला। धन्यवाद देता हूं बिहार की नीतीश सरकार को, धन्यवाद दूंगा आदरणीय एपीजे अब्दुल कलाम को कि जिनके अथक प्रयासों से वो विश्वविद्यालय बना। लेकिन इस विश्वविद्यालय में बीजेपी और बीजेपी के सोच के लोगों का एक रत्ती भर भी योगदान नहीं है। नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन करने आप चले गए क्योंकि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं। मैं निवेदन करूंगा कि नालंदा विश्वविद्यालय जैसे और बड़े बड़े विश्वविद्यालय भारत के हर एक राज्य में एक एक बनाइए आप। लगभग यहाँ 27-28 राज्य हैं, सभी राज्यों में नालंदा विश्वविद्यालय की तर्ज पर एक एक यूनिवर्सिटी खड़ी करिए ताकि पूरी दुनिया आपके भारत में बुद्ध का ज्ञान लेने आए। मैं बताना चाहता हूं 5वीं शताब्दी में सम्राट कुमार गुप्त ने एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जिसमें 10,000 छात्र पढ़ते थे, 1,000 आचार्य रहते थे और वो छात्र पढ़ने वाले पूरी दुनिया के होते थे। याद रखना जब कनिंघम ने यहाँ पर संस्कृति खोजने का काम शुरू किया, उत्खनन का काम शुरू किया, तो पुराना नालंदा जो खंडर था वो मिला और उसके बगल में राजगिरी में ये विश्वविद्यालय कई वर्षों से लगातार बन रहा था जिसका कल उद्घाटन हुआ है। मैं बताना चाहता हूं कि कुमार गुप्त ने ये बहुत ऐतिहासिक कार्य किया। बाद में पाल राजा जो बुद्ध की संस्कृति से जुड़े थे, पश्चिम बंगाल से थानेसर तक जिन पाल राजाओं का शासन था, उन पाल राजाओं ने इस यूनिवर्सिटी को बहुत सहयोग किया, कई बार जीर्णोद्धार कराया। इतना ही नहीं, सम्राट कनिष्क, सम्राट हर्षवर्धन व अन्य नाग राजाओं ने इस विश्वविद्यालय को समय समय पर सहयोग किया है और इसका जीर्णोद्धार कराया है। ऐसे विश्वविद्यालय जब तक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, मंडल लेवल पर, राज्य लेवल पर स्थापित नहीं होंगे तब तक ये भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता। ध्यान से सुन लीजिए नरेंद्र मोदी जी, आपको हर राज्य में और हर जनपद में ऐसे विश्वविद्यालय बनाकर भारत को फिर विश्व गुरु बनाना है, नहीं तो ऐसे जुमलेबाजी से ये देश चलने वाला नहीं है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा वहाँ काम करने वाले सभी कर्मचारियों का, वहाँ पढ़ाने वाले सभी आचार्यों का, वहाँ अपना दिमाग दिलो दिमाग लगाने वाले सभी नेताओं का, खास तौर से एपीजे अब्दुल कलाम का, जिन्होंने कई बार अपने भाषणों में जिक्र किया कि मैं अपने जीते जी नालंदा विश्वविद्यालय फिर खड़ा करना चाहता हूं। मैं धन्यवाद दूंगा प्रमुख अर्थशास्त्री अमृत सेन जी का, जिनके विशेष योगदान से और नीतीश कुमार जी के विशेष योगदान से ये ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।